हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेज। एंड नाउ टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3 ऑफ चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। बच्चों तो 6.2 तक ऑलरेडी आप लोगों ने बच्चों देख ली होगी। जिन बच्चों को नई वीडियोज मिल रही हैं वो क्या करेंगे कि प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में अपनी बुक्स का नेम देखेंगे। बच्चों प्लेलिस्ट में वहाँ आपको बुक्स के नेम मिलेंगे, उस बुक्स पर आपको क्लिक करनी जो भी आपके स्कूल्स में चल रही हो। उससे अदर भी आप लोग कुछ एक्सरसाइज देखने चाहते हैं दूसरी बुक्स के, तो कंपोजिट मैथमेटिक्स की भी आप देख सकते हैं, और भी बुक्स की जो पढ़ी हुई वो सब आप देख सकते हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं हमारे साथ में जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें बच्चों, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों तो आज हम 6.3 की बात करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 1.3 का कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। बच्चों आपसे क्या कह रहा है, इनके जो है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट बतानी है, नंबर ऑफ डिजिट बतानी है इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच, इनके स्क्वायर। जैसे 100 गिवन है तो 100 का स्क्वायर रूट कौन होता है, 10 होता है, कितनी डिजिट आ गई, 2 हो गई। 729 है बच्चों, कौन है, 729, कितनी डिजिट हो गई बच्चों, 2 डिजिट आएंगी, कितनी डिजिट आएंगी, 2 डिजिट आएंगी, 27 का होता है क्योंकि। चलिए ऐसे ही हम लोग आपको करके दिखाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे बच्चों, 100 कितना गिवन है, 100 गिवन है बच्चों, क्या गिवन है आपको, 100। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ ऑफ किसका बच्चों, 100 का स्क्वायर रूट ऑफ किसका, 100 का विल हैव कितनी डिजिट होंगी, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है सबको पता है, 10 होता है, तो 10 में कितनी डिजिट होती है बच्चों, ऑनली कितनी डिजिट हो गई, 2 डिजिट हो गई, कितनी हो गई, 2 डिजिट हो गई। उसके बाद में बच्चों क्या नंबर गिवन है आप लोगों को, बी में 729, बी पार्ट यहां तक नोट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखना आप लोगों को, बी पार्ट आ जाइए, कितना है बच्चों 729, तो कितना आ जाएगा यहां पर 729, और कितनी डिजिट होंगी बच्चों इसमें भी, 2 डिजिट होंगी, बिकॉज 27 का होता है ये, ठीक है। बी के बाद में आइए सी पार्ट पे, आइए बच्चों सी पे आ जाइए बच्चों, क्या गिवन है, 40401, कितना है 40401। तो बच्चों देखिए 245 गिवन है, कितने गिवन है देखिए मैं आपको बता दूं, 245 बच्चों, ध्यान देंगे जब पेयर कंप्लीट ना हो, पेयर हम इधर से स्टार्ट करेंगे, 2 ये बचा ना आपका, तो कितनी डिजिट होनी चाहिए बच्चों, 3 डिजिट हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 3 डिजिट होंगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कितनी होगी बच्चों, 3 डिजिट हो गई। इसके बाद आइए डी पार्ट में क्या लिखा है, 2401, कितना लिखा है, 2401 बच्चों, आइए देखें 2401 में भी कितनी डिजिट होंगी बच्चों, 1 2 2 पेयर कंप्लीट, तो डिजिट कितनी हो जाएंगी बच्चों यहां पे, 2401 में कितनी डिजिट होंगी, कितनी डिजिट होंगी 2401 में, 3 डिजिट हो जाएंगे, कितनी हो जाएंगे, ये आपका कौन सा पार्ट है, डी पार्ट है भाई, 3 डिजिट हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग इनको ऐसे अभी हम फाइंड करना आपको सिखाएंगे कैसे आप लोग फाइंड करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका कंप्लीट, बिल्कुल लैंग्वेज जिस तरीके से करनी है आपको फाइंड करके नहीं दिखाना, सिर्फ आपको क्या बतानी, डिजिट पूछी गई तो आप लोग डिजिट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर चलते बच्चों हम लोग 2 की तरफ, आइए देखते हैं क्या गिवन है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोगों को सॉल्व करना है, तो आइए लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप लोगों को सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट, आइए बच्चों ए 2601 बच्चों, ए है आपका नंबर है 2601 बच्चों, आइए देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग करते कैसे हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या बनाते हैं, पेयर कंप्लीट करते हैं, पेयर हमेशा हम लेफ्ट साइड से बनाएंगे, राइट साइड से बनाएंगे मतलब इस साइड से बनाएंगे, लेफ्ट से कोई नहीं बनाएगा। अगर आप पेयर लेफ्ट से बनाते तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा, वहीं ध्यान रख लेना आप सब। तो किधर से हमेशा बनाएंगे, राइट साइड से बच्चों, ये हमने पेयर कंप्लीट किया, इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। करेंगे कैसे वो ध्यान देना सभी बच्चों को, सबसे पहले जब आप ध्यान देंगे तो यहाँ 26 लिखा हुआ है, तो डिवाइड कैसे करते, या तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड जाए या फिर उससे कम हो, तो मैं यहाँ जब 5 लिखूंगा तो 5 जा कितना होगा बच्चों, 25 हो जाएगा। ये पेयर को मैं यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ से 25, और जो ये आएगा उसको हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे, क्या करेंगे
ऐड करेंगे. देखें 6 में से 5 जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 1, और ये 0, और ये कितना आ गया बच्चों 1. क्लियर? 5 और 5 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा. कितना हो जाएगा 10. कौन सा नंबर यहाँ लूँ यहाँ करके जो पूरा पूरा कट जाए, तो कितना 1 लिखेंगे, अगर यहाँ भी 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर तो 0 आ गया ना. क्लियर हो गया सबको? हमसे स्क्वायर रूट पूछा गया था. क्या पूछा गया था? स्क्वायर रूट ऑफ किसका, 2601 इक्वल्स टू कितना आएगा भाई, 51. क्या आ गया आप लोगों का आंसर आ गया. ये क्या हो गया आप लोगों का आंसर आ गया बच्चों, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया. आइए इसका मैं नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को बता दूं बच्चों. आइए इसका सी पार्ट देखेंगे. बी तो बहुत ईजी है, सी वाला देखते आइए. सी में क्या लिखा हुआ है, 6084 बच्चों. कितना लिखा हुआ है, 6084 बच्चों. आइए देखिए नंबर है 6084, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है. 6084 देखिए, फिर से टेबल पे ध्यान देना जो मैं बताऊंगा आपको भाई. 8 नहीं ले सकता हूं मैं, पेयर बनाएंगे ना, पेयर तो आप लोगों को बन गया पेयर. ये देखिए 1 पेयर 2 पेयर कंप्लीट, यानी हम 60 को हमको लेना है. 8 जा नहीं ले सकता हूं, क्योंकि 8 जा कितना हो गया 64. 8 से कम ले लीजिए, कितना आएगा 7 आएगा. 7 जा कितना होता है 49 आ गया. इसको क्या बताया, ऐड कर दिए. 7 और 7 कितना हो जाएगा 14. पहले इसको माइनस करें, 10 में से 9 जाएगा बच्चों 1, और 5 हो गया यहाँ, तो 5 में से 4 जाएगा बच्चों 1. क्लियर? जब भी अगला नंबर नोट करेंगे ध्यान देना, तो पूरा का पूरा पेयर नोट करेंगे, पेयर पूरा. ये देखिए 84 नोट कर लिया हमने. क्या नोट कर लिया बच्चों, 84 नोट कर लिया बच्चों. कितना किया, 84 कर लिया. 14 लिखा है यहाँ पे, 1184 लिखा, तो कौन सा नंबर लूँ मेरा 1184 आ जाए, बताइए सब बच्चे. भाई अगर मैं यहाँ पर 8 ले लेता हूँ, यहाँ भी 8 ले लिया, 8 जा 64, 84 जा 34, और 6 कितना हो जाएगा 38, 81 जा 8 और 1 11. क्लियर हो गया ना सबको? ये अब यहाँ पर 8 आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. फिर भी आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई उससे डाउट फिर भी नहीं, क्योंकि आपका आंसर तो आ चुका. तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए समझ में सबके आ गए, इसलिए मैं थोड़ा अभी जल्दी जल्दी मतलब आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. 6084 इक्वल्स टू कितना आएगा, 78 आ गया आपका आंसर. सी पार्ट आपका कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, आइए देखते हैं कौन सा करा दूं आप लोगों को मैं. देखिए ई पार्ट पे आइए, है ना, डी आप लोग करेंगे, ई पार्ट मैं करा दूंगा आप लोगों को. चलिए ई देख लीजिएगा, 4 चलिए 40804 पेयर कंप्लीट कीजिए. देखिए दिखा, अब क्या बचा आपका 4, यानी सिंगल डिजिट बची है. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम 2 नंबर लेंगे. क्या लेंगे, 2. भाई 2 जा कितना होता है 4 हो गया, यानी ये कंप्लीट हो गया. यहाँ पर 2+2 कर देंगे, 2 जा 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया. अब क्या करेंगे भाई हम यहाँ पर, अब हम यहाँ से नंबर नोट करेंगे. क्या करेंगे, नंबर नोट करेंगे भाई. ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 8, ठीक है, क्योंकि पेयर पूरा नोट करेंगे. अब 8 आ गया यहाँ पर, कितना आ गया 8, कम आएगा ना, कौन से नंबर से डिवाइड भाई, नंबर तो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो कुछ भी लेंगे तो छोटा आएगा, तो इसलिए मुझे ये वाला पेयर भी क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा नोट करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपके मन में 0 लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, पर ये पेयर की वजह से मैंने लिख दिया है, थोड़ा और कोई बात नहीं है. कितना 804 आ गया मेरा बच्चों, कितना आ गया 80 मेरा, कितना आ गया 4 आ गया. कौन सा नंबर लूँ बच्चों, देखिए सबसे पहली बात तो ये हमने डिजिट यहाँ पर 0 थी, हमें 0 तो ये लगाना पड़ेगा. क्लियर हो गया ना? अब मैं देखिए यहाँ पर 4 है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ और यहाँ पे मैं 2 लिख दिया मैंने, तो 2 जा कितना हो गया बच्चों 4, 200 और 24 जा कितना आ गया 8. तो स्क्वायर रूट मुझे फाइंड करना था, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, 40804 का स्क्वायर रूट कितना आ गया बच्चों, 22. इस तरीके से भी आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कर सकते हैं, पर आपसे ये ऐसा कुछ पूछा नहीं गया था. सिर्फ आपसे क्या पूछा गया था, क्या पूछा गया था, सिर्फ आपको डिजिट फाइंड करनी थी. चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं. आइए नेक्स्ट पार्ट कौन सा करा दूं भाई, इसका ई करा दिया ना, सब एक जैसे से लग रहे हैं बच्चों. चलिए एक बार मैं के पार्ट करा दूं आप लोगों को. के पार्ट पे आइए थोड़ा, क्योंकि थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा. के पार्ट में क्या कह रहा है, 3136 कह रहा है. क्या कहा बच्चों, 3136 आप लोगों को ये नंबर गिवन. आइए देखिए नंबर लिख लीजिए, 3136. क्या बताया, पेयर बनाइए. ये देखिए पेयर कंप्लीट हो गया, 31 लिखा यार, 6 6 36 ज़्यादा हो जाएगा,
तो क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, 5 लिखेंगे, और यहाँ जब 5 लिखा तो यहाँ भी 5 लेना पड़ेगा, 5 जो होता कितना भाई 25 आ गया, 31 में से 25 का कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। यहाँ से देखिए पूरा पेयर नोट करेंगे, ध्यान रखना आप लोगों को। अब यहाँ तो 2 बचा तो 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा ना, 336, और 5 और 5 बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए कितना ईजी यार, 10 लिखा हुआ है यहाँ, 36 लिखा, मैं अगर यहाँ पर 6 लिख दूँ बच्चों कोई प्रॉब्लम किसी को, अगर जो नंबर यहाँ लिखेंगे वो नंबर यहाँ भी लिखना है, उसी नंबर की फिर पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 6 6 36, 0 कैरी 3 ऐड हो जाएगा, 6 बन जाए कितना गया, आंसर आपका आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ किसका भाई 3136 का, कितना आ गया 56। क्वेश्चन आप लोगों को सब समझ में आ रहे होंगे आई होप, अगर समझ में आ रहे हैं तो जल्दी लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर भी कर सकते हैं अपने साथ के बच्चों को, आप लोग जो आपके ऐसे साथ के बच्चे हैं जो पढ़ते हैं आपकी क्लासेस में। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं बच्चों थर्ड की तरफ, आइए देखते हैं बच्चों थर्ड में क्या आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड अपनी बुक में सब रीड करेंगे, मैं थर्ड में रीड कर रहा हूँ बच्चों, देखिए ध्यान से, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। कह रहा है कि हमें जो नंबर है उसमें से हम क्या माइनस करें कि हमको परफेक्ट स्क्वायर गेट हो, परफेक्ट स्क्वायर हमारा आई नंबर। तो चलिए बहुत ईजी है, हम अभी करके दिखाएंगे आप लोगों को, एकदम समझ में आ जाएगा सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया समझ में आया। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट में आ जाइए जरा पहले। तो थर्ड का ए पार्ट जो है बच्चों वो कह रहा है 547 नंबर गिवन है आप लोगों को, क्या गिवन है 547 का, हमको क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अच्छा यहाँ एक चीज ध्यान देना है, इससे पहले जो क्वेश्चन में करा वहां रिमाइंडर सब में 0 आ रहा था, क्यों, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर थे, है ना, क्योंकि वो क्या थे परफेक्ट स्क्वायर थे। अब जो नंबर गिवन होंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, इसीलिए आपसे कहा गया कि क्या माइनस करें कि परफेक्ट स्क्वायर आए नंबर। तो 547 गिवन है, पेयर की बात की गई थी, मैंने आपको शुरुआत में बताया था बच्चों मेन जो इसमें काम होता वो था पेयर बनाने का, तो 547 में 47 का पेयर बन गया, 5 तो आपका सिंगल रह गया भाई, तो 2 लिखेंगे और 2 जब बच्चों कितना होता है 4 होता है, क्लियर हो गया सबको, प्लस में 2 आ जाएगा, 2 और 2 बच्चों कितना आ गया 4। अब देखिए यहाँ आएंगे जरा, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे 47 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 47 लिखेंगे। अब यहाँ क्या नंबर लिखा जाए भाई, 4 नंबर तो ले नहीं सकते हो, 4 नहीं ले सकते ना, 4 मल्टीप्लाई करोगे 16, और 4 4 16 ज़्यादा हो जाएगा, आपको पता सर हम लोग 3 लेंगे यहाँ पर, क्या लेंगे 3 लेंगे, तो 3 3 जा कितना आ जाएगा 9, और 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, क्लियर सभी बच्चों को। आइए देखिए 7 में से 9, यानी 7 में से 9 नहीं जाएगा, 7 में से 17 में से 9 जा सकता है, और कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा बच्चों कितना आ गया 18, क्या आ गया बच्चों आप लोगों का रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। अब मैं यहाँ लैंग्वेज लिखूंगा, उस लैंग्वेज को ध्यान रखना सभी बच्चों को, कितना गया 18 आ गया, कितना गया 18, तो लैंग्वेज क्या लिखी 10547 इज 18 मोर देन द स्क्वायर ऑफ 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, 18 मोर था तो मैंने क्या कर दिया बच्चों 18 माइनस कर दिया, 529 आ गया, और 529 किसका स्क्वायर रूट है भाई 23 का, ऊपर लिखा है ना। ये आप लोगों का क्या बिल्कुल सेम वे से आपको सारे क्वेश्चंस यहां पर करने हैं, मैं और पार्ट इसके आपको करके दिखा देता हूं। तो ए पार्ट तो मैंने कर ही दिया है, इसका आप लोग अब सी पार्ट देखेंगे, कौन सा पार्ट देखेंगे भाई सी पार्ट देखेंगे, चलिए मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए पेयर तो आपको कंप्लीट है, 6 6 36 ले सकते हैं, 7 7 49 ज्यादा आ जाएगा ना, तो 6 6 30 कितना ऐड कर देंगे यहाँ पर 6 और 6 बच्चों कितना होता है 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 आ गया बच्चों, और 12 में कितना ऐड करना पड़ेगा, अच्छा पहले माइनस प्लस कर दें, 50 में से 6 के बच्चों कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर पूरा पेयर आपको नोट करना पड़ेगा कितना आ गया 907 आ चुका है, कितना आ गया 907 आ गया। कौन सा नंबर ले लूँ बच्चों में, अगर यहाँ 7 ले लिया हमने और यहाँ 7 ले लिया, देखे करके 7 7 49, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई आपका 7 2 14, 14 और 5 बच्चों कितना हो जाएगा 14 और 5, 19 का 9 कैरी कितना 1, 7 1 7 और 1 कितना आ गया बच्चों 8 आ गया, 8 9 9 आ गया। अच्छा यहाँ पर 7 ऐड भी करना पड़ेगा, फिर 7 7 14, और 2 और 1 3, और 1 का 1, क्लियर, यहाँ माइनस करिए 17 में से 9 गए 8, और यहाँ 10 में से 9 गए 8, हाँ ठीक 18 आ गया ना, कितना आ गया 18, कितना मोर देन आया भाई, क्या आया 4507 इज
18 मोर देन स्क्वायर ऑफ, किसके स्क्वायर से मोर देन है बच्चों ये बताएंगे सभी बच्चे, किसके स्क्वायर से मोर देन है, ये देखिए यहां पर 67 आ गया ना, यही देखना है 67 के स्क्वायर से 18 मोर देन है, स्क्वायर ऑफ किसके 67, देयरफॉर इफ वी सबट्रैक्टेड, क्या सबट्रैक्टेड कितना 18 फ्रॉम कितने में से 4507 में से, वी गेट हम क्या करेंगे 4507 माइनस 18 करेंगे, 18 करिए बच्चों माइनस करिए जरा, 17 में से 8 गया बच्चों 9, सबट्रैक्ट करके बताइए जरा, हाँ 4489 आ गया, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 67 का, किसका हो गया 67 का। आप लोगों को मैं एक मल्टीप्लाई थोड़ा इजी मतलब जो है आपको मैं प्रूफ करके दिखा दूँ 67 आएगा कि नहीं आएगा थोड़ा डायरेक्ट, और ये हम लोग थोड़ा जो है शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि वीडियोज बच्चों पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, आप सब शॉर्ट ट्रिक्स वहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज हैं। देखिए कैसे करते हैं, 7 7 जा 49 कैरी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 6 जा 42 और 7 6 जा 42 और 42 कितना हो जाएगा भाई, यह हो गया 84 और 4 बच्चों कितना हो जाएगा 88 का 8 हो जाएगा, कैरी कितना गया 8 हो गया, 6 6 जा 36 और 8 बच्चों कितना होता है 44, आ गया मेरा आंसर 4489, ये देखिएगा। तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपको देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, शॉर्ट ट्रिक्स प्लेलिस्ट में वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। और अब थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों की वजह से ही, आप लोगों की वीडियोस के लिए, वरना मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, इंस्टा पर भी वैसे मुझे लग रहा साथ पड़ी हुई है और टिकटॉक बंद हो चुका है, वहाँ भी बहुत सारी मेरी शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोज पड़ी हुई थी, तो जो है आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, 9 की भी मैंने कराई हैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स, डिवाइड की भी है, परफेक्ट स्क्वायर की है, क्यूब रूट की है, स्क्वायर रूट की है, और टाइम एंड वर्क की है, स्पीड एंड टाइम की है, और बहुत सारी वीडियोज हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स की जो एक्सरसाइज आप लोग करते हैं ना, एज वाले क्वेश्चंस करते हैं, उनकी भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स पड़ी हुई हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ सी पार्ट आप लोगों का, ये नेक्स्ट पार्ट आ जाइए हम कौन सा करें भाई, सी पार्ट तो आपका ये कर दिया, आइए अब हम लोग करते हैं इसका ई पार्ट, आइए 8889 डिजिट बड़ी है मुझे पता है, जब ऐसी डिजिट आती है बच्चे ज़्यादा डरते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, 8889 गिवन, आइए देखिए आइए 8889 ये नंबर गिवन है आप लोग, पेयर तो कंप्लीट हो ही गया बच्चों, क्या नंबर ले सकते हो बताइए, 8 8 जा 64 होते हैं, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81 होता है, तो 9 के बाद तो कोई नंबर है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ क्या लेंगे बच्चों 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9, यहाँ पर भी 9 9 9 जा कितना होगा 81, यहाँ प्लस में 9 हो जाएगा, 9 प्लस 9 सबको पता सर 18 होते हैं, और 8 में से 1 जाएगा 7, और पूरा पेयर हम यहाँ कंप्लीट नोट कर लेंगे, कितना आ गया बच्चों 89 आ गया, कितना आ गया 789 आ गया, कौन सा नंबर लें सर जो 789 डिवाइड हो जाए, हमें तो परफेक्ट स्क्वायर पता लगाना, हमें यहीं पता चल जाता है, ठीक है, तो 789 आपका आ चुका है, तो कौन सा नंबर लेंगे यार ये बता दीजिए मुझे, चलिए आप लोग सोचते समझते रहिए थोड़ा सा, कौन सा नंबर लेंगे बच्चों, 4 नंबर ले लिया हमने, चलिए 4 4 जा 16 4 8 जा 32 है ना, और एक 33 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 3 7 36 आएगा क्या, यही आना चाहिए, और प्लस में 4 कर दीजिएगा 4 4 8 अच्छा ऐड कर दीजिए, मैं तो क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई 8 और ये 8 और ये 188 आ गया, यहाँ माइनस करिए 9 में से 36 गया 3 आ जाएगा, 8 में से 3 गया बच्चों कितना आ गया 53 आ गया, अब 53 आ गया कितना मोर देन 10, क्या लिखेंगे 8 8 8 9 इज 94, ओहो इज कितना मोर देन है भाई, रिमाइंडर तो ये है ना 53 मोर देन स्क्वायर ऑफ, किसके स्क्वायर से बच्चों 94 के स्क्वायर से, देयरफॉर सबट्रैक्टेड 53 फ्रॉम किसमें से भाई 889, ओहो 8 8 8 9 में से कर दीजिएगा माइनस 8 8 8 9 माइनस का 53, 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा भाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 8 कितना आ गया 8 8 3 6 आ गया, कितना आ गया 8 8 3 6 आ गया आप लोगों का, जो 8 8 3 6 आया है बच्चों ये किसका स्क्वायर रूट है बताइएगा 94 का, किसका है रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर ऑफ किसका 8 8 3 6 इक्वल टू कितना है 94, आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है वीडियो देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा,
तो थर्ड का बच्चों ये पार्ट आपके कंप्लीट हुए। अब मैं चलता हूँ यार क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ सीधे। कौन से पे चलता हूँ? फोर की तरफ चलता हूँ। आइए देखते हैं क्या गिवन है फोर्थ में। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पे आगे बच्चों हम। फाइंड द लिस्ट, देखिए अभी हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट का करा, ठीक है। अब देखते हैं क्या गिवन होगा। ऐड का भी हो सकता है, डिवाइड का भी हो सकता है, मल्टीप्लाई का तो नहीं होने का, डिवाइड ऐड और सब्ट्रैक्ट के ही होते हैं ज्यादातर। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड, अब किसकी बात आ गई, एडिड की बात आ गई है, टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेंड। फर्स्ट पार्ट आइए, 248 गिवन है। क्या गिवन है डियर स्टूडेंट? 248 गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? 248 ए पार्ट आ जाइए बच्चों। पेयर कंप्लीट कर लेंगे, देखिए 1 2 बचा तो 1 बन जा, 1 लेंगे हम यहाँ पर और प्लस में क्या लिखेंगे बच्चों, 1 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, 48 हम क्लियर कंप्लीट नोट करेंगे। 1 और 1 जो कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। 148 की विन है, क्या लिख सकते हो बच्चों यहाँ पर आप? अगर हम 2 लिख देंगे, 2 नहीं ले सकते हैं, 4 लिख दीजिएगा, 4 4 जाए 16 और 4 2 जाए 8 और 1 9, 98 हो जाएगा, है ना। 5 ले सकते हैं, 6 ले लेके देख लीजिए, अच्छा है ना, क्या 6 ले लीजिएगा, चलिए 6 6 6 36 और 6 2 12 और 3 नहीं, 6 से भी नहीं होगा, देखिए 5, देखिए यही तो करना है आप लोगों को भी पता लगाना किस नंबर से जाएगा। 5 देख लेंगे, चलिए 5 5 25 का 5 हो जाएगा, कैरी कितना 2, 5 2 10 और 2 12 हो गया बच्चों और प्लस में यहाँ 5 कर दें, 25 और 5 बच्चों कितना होता है सबको पता, 30। यहाँ देखिए 8 में से 5 गया बच्चों, 3 हो जाएगा, 4 में से 2 गया बच्चों, कितना गया 23 रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया 23, क्या आ गया रिमाइंडर, यानी कि 248 में मैं कितना ऐड करूं, 23 ऐड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। कितना बच्चों आया आपका? 23 आया। मैंने कुछ लैंग्वेज लिखी, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, द रिमाइंडर इज 23, रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 23, 10। अब देखिए 15 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है कितना, 225 होता है, सबको पता है 225 मतलब 225, हिंदी में बताऊँ तो 225 बच्चों, और 15 का स्क्वायर 248 से क्या होगा बच्चों, कम होगा, मैंने ये लिख दिया है। तो स्क्वायर रूट किसका बच्चों, इससे बड़ा नंबर चाहिए हमें, है ना, क्या ऐड करें, क्या ऐड करूं, है ना, यही तो कहा गया क्वेश्चन में आपसे, क्या ऐड करूं भाई 248 में, क्या ऐड करूं, द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 15 के बाद कौन स्क्वायर रूट आएगा, 16 आएगा, 16 का कितना होता है 256 होता है, हेंस द नंबर ऐड टू 248 टू मेक 256, पता चल गया ना, 248 में क्या ऐड करूं, 256 बन जाए तो 256 में से 248 माइनस कर दीजिए 8 आ गया, यानी 256 248 में कितना ऐड कर दूं मैं, 8 ऐड कर दूं। यहां आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, 248 प्लस कितना 8, कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, तो इस आल्सो 256 का स्क्वायर रूट कौन हो गया, 16 हो गया। चेक कर सकता हूं, कर सकते हैं, चेक करा दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा, देखिए 6 6 36 6 6 6 12 12 और 3 15 और 1 1 1 1 2 256 आ गया, ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए ये था इसका ए पार्ट, नेक्स्ट मैं कराता हूँ आप लोगों को बच्चों इसका सी पार्ट, देख लेंगे जरा, सी पार्ट भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, सेम पार्ट है, मुझे जो थोड़ा लगते हैं मैं वही करा देता हूँ। अरे 462 भी 3 डिजिट है तो मैं क्यों ना 4 डिजिट वाला आपको करा देता हूँ बच्चों। चलिए 4 डिजिट गिवन है इसमें, 6529 गिवन है, ये देख लीजिए आप सब, 6529, देखिए पेयर कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट हो गए, 65 आ गया। अब कौन सा नंबर ले सकते हैं, 8 नंबर ले लीजिए, देखिए 8 8 जा कितना होता भाई, 64 आ गया, ये नंबर आप लफ कर दीजिए, आप लोग तो अपने आसान इजी वे के लिए इसको मैं लगवाता हूँ आपसे, 8 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, यहाँ कितना है 5 में से 4 गया 1 और ये कितना आ जाएगा 29 बच्चों। मैं यहाँ अगर 0 लेके चलता हूँ बच्चों, कितना ले लूँ मैं अगर यहाँ पर 0, तो कितना आ जाएगा 0 0 0, यानी रिमाइंडर आपका बच्चों कितना आएगा, 129 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा आप लोगों का, 129 आएगा बच्चों, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 129 बच्चों। 80 का स्क्वायर जो आएगा वो कम होगा किससे बच्चों, किससे कम होगा बच्चों, 6529 से कम ही तो होगा भाई, 88 या 64 कितना बैठा, ये आएगा, यही तो आएगा, इससे तो कम है ना देखो। तो अब नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर किसका भाई, 81 का स्क्वायर रूट, 81 का स्क्वायर रूट कितना, स्क्वायर कितना आएगा भाई, 81 का स्क्वायर कर लेंगे जरा हम सब एक बार जरा, तो देखिए 81 का स्क्वायर देखेंगे सब बच्चे एक बार, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 8 8 जा 8 8 16, 16 का 6 कैरी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 8 जा 64 165 हो जाएगा, ये आएगा 6561, ये आएगा बच्चों 6561 आएगा आप लोगों का, तो हैंस द नंबर एडिड टू। अब कितना ऐड करना पड़ेगा बच्चों देखेंगे जरा, 6529 है यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6
5529 टू मेक 6561. तो एक काम कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा. 6561 माइनस 6529. 11 में से 9 जाएगा, सबको पता है. 3 आएगा सर, और यहाँ पर आपका 5 बचा, 5 में से 2 जाएगा सर, 3 आएगा. 33 आ गया, ये कितना आ गया, 33. यानी यहाँ पर मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान देंगे सभी बच्चे. 6529 में कितना ऐड कर दूँ, 33. 93 कितना हो जाएगा, 11. 235 और 16, और ये 65. यानी किसका स्क्वायर रूट हो गया बच्चों, ये 81 का स्क्वायर रूट. और यहाँ 256 की जगह कितना आएगा, 6561. आंसर भी सब बच्चे चेक कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ 32 आएगा बच्चों, कितना आएगा, 32 आएगा. आप सही है ना, 32. चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट आप लोगों का कंप्लीट हुआ. ये नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों हम इसका. सिक्स फाइव टू नाइन का ये सी पार्ट था ना. आइए इसका हम लोग लास्ट पार्ट देखेंगे, ई वाला. क्या गिवन है, 7714 गिवन आप लोगों का, 7714 बच्चों. आइए देखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ 7711. देखेंगे सब बच्चे एक बार ध्यान से. पेयर कंप्लीट, यस सर कंप्लीट हो गया. 77 है, 88 जा 64 होते, 99 जा 81 ज़्यादा हो जाएगा. तो 88 जा कितना लेंगे बच्चों, 64. आइए ज़रा यहाँ ऐड कर देंगे ज़रा, 8 और 8 कितना हो गया, 16 आ जाएगा. 7 में से 4 जाएगा, 3 आ जाएगा. 7 में से 6 जाएगा बच्चों, कितना आ गया, 1 आ गया. पेयर हमेशा कंप्लीट नोट करेंगे, ध्यान रखना. ऐसा मत करना कि कहीं 1 नोट कर दो 4 छोड़ दो, नहीं 4 कर लो 1 छोड़ दो, है ना, ऐसा नहीं करना है. नंबर आपको अपने पेयर पूरा नोट करना है. 8 और 8 बच्चों कितना आ गया, 16 आ गया. अब कितने से हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे कि कितना आ जाए हम लोगों का, बताइए. देखिए यहाँ पर 4 लिखा, क्यों ना 7 ले लेते हैं, जरा देखते हैं. 7 जा 49 का 9, कैरी कितना 4. 7 6 जा 42 और 4 बच्चों, 42 और 4 बच्चों 46 का 6, कैरी कितना 4. 7 1 जा 7 4 11. और तो ज़्यादा हो जाता फिर, है ना, ज़्यादा लेता अगर मैं. यहाँ 7 ऐड कर देंगे सभी बच्चे, 7 7 14, 6 4 1 7 और 1 का 1 बच्चों, क्लियर. 14 में से 9 जाएगा बच्चों, 5 आएंगे ना, बताइए. और यहाँ कितना हो गया भाई, 0 बचेगा यहाँ. तो यहाँ कितना, 10 में से 6 जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा. यहाँ 2 में से बन गया भाई, 145 मेरा रिमाइंडर बचा. कितना बचा मेरा रिमाइंडर, कितना आ गया, 145. आइए अब यहाँ पर हम थोड़ा चेंजिंग सा करते चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर में. यहाँ कितना आएगा बच्चों, 145 आप लोगों का क्या आ गया बच्चों, रिमाइंडर आ गया. अब 145 का जो है बच्चों, यहाँ पर नंबर चेंज करेंगे. देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये स्क्वायर रूट किसका, 87 का जो स्क्वायर रूट आएगा बच्चों, क्या 87 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो छोटा आएगा इन कंपेरिजन किससे बच्चों, 7714. ठीक है, तो 88 का स्क्वायर रूट हम यहाँ लिख लेंगे जरा. नेक्स्ट किसका होगा भाई, 88 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर रूट जरा कोई करके मुझे बताए जरा. 88 की मल्टीप्लाई कर दो जरा बच्चों, जल्दी फटाफट जल्दी, 88 इंटू 88 कर दो जल्दी. शॉर्ट ट्रिक से करना जल्दी, तुरंत शॉर्ट ट्रिक से करना बच्चों. 77, वेरी गुड, शाबाश, जो सिखाया कामयाब हो रहे, अच्छी बात है. 7744 आ गया बच्चों. अब हमको क्या बनाना है, हमें तो बनाना है कितना, 7744 हमें लाना है. और कहाँ से लाना है, 7714 से. माइनस कर देंगे अब हम यहाँ पे, 7744 माइनस 7714 कितना आएगा, 0. 4 में से 1 गया 3, 30 आ गया भाई. ठीक है, कितना आ गया, 30. यानी 30 ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे अब जरा, कितना ऐड कर दीजिएगा, 30. कैसे करेंगे देखिए ज़रा ध्यान से, 7714 प्लस 30 कितना आएगा, 7744 बच्चों. हमें तो स्क्वायर रूट किसका चाहिए, 7744 का चाहिए. और ये किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 88 का होगा. आंसर भी आप लोगों का कितना आ गया बच्चों, 88 आ गया. आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं अपनी बुक में, जो जो गिवन होगा. 30 हमने ऐड किया यहाँ पर, आपकी बुक में थोड़ा अलग टाइप से गिवन है, 30 ऐड किया और 88 आपका आंसर. चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. आइए देखते हैं बच्चों हम इन्हें. चलिए क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 8281 बच्चों. सबको पता है एरिया क्या होता है, एरिया किसका, स्क्वायर का साइड इनटू साइड होता है. स्क्वायर रूट निकालेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा. देखिए सब बच्चे, तो साइड पूछी गई सबसे पहले, साइड क्या पूछा गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर एरिया. सबसे पहले मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ
स्क्वायर क्या होता है बच्चों, सबको पता है ना साइड का स्क्वायर यही तो होता है बच्चों। बताइए एरिया कितना गिवन है आप लोगों को बच्चों, 8281 है ना साइड का स्क्वायर। बच्चों मैंने आपको यही बताया स्क्वायर से इस तरफ क्या चढ़ जाता है, हमेशा अंडर रूट चढ़ा देते हैं। ये देखिए 8281। अब सर जी इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्यों? और बिल्कुल करना पड़ेगा बच्चों, जब कह रहा है तो 8281 मैं यहाँ साइड में करूँगा, आप लोग भी बिल्कुल मेरी तरह ही करेंगे, चाहे यहाँ कर सकते हैं चाहे आप साइड में कर सकते हैं। मार्कर चेंज कर सकता हूँ क्या? कह दो हाँ जी सर जी कर दीजिए, कर दिया तो 8281। एक बार मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ दूँ, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर हमको बतानी है, तो चलिए मैं बाद में लैंग्वेज लिख दूँ, फिलहाल तो यहाँ मैंने साइड लिख दिया, कोई बात नहीं। 8281 पेयर कंप्लीट करेंगे, 9981 सर बिल्कुल सही बात है, 9981 होते हैं, और प्लस में सर 9 लिख दीजिए, 9 और 9 सर 18 लिख दीजिए, और 2 में से 1 सर 1, और ये 18 लिखिए सर। अब आप एक काम कीजिए सर, यहाँ 1 लिख दीजिए, बिल्कुल सब सब दिखाई दे रहा हो यार, 81 लिखा है, अगर मैं यहाँ पे 181 लिख दूँ, देखिए यहाँ से प्लस 1 करना चाहते तो कर दीजिए, कोई सब फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया साइड, क्या आ गई आप लोगों की, अब 91 आ गई। तो मेरे से जो पूछा गया क्या लिखेंगे, हेंस साइड ऑफ द स्क्वायर, ये तो पूछा गया साइड ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड ऑफ, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड कितना, 91 मीटर, सेंटीमीटर क्या दिया है बुक में आप लोगों को, सेंटीमीटर, तो बच्चों सेंटीमीटर लिख देंगे, क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड। एंड नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6, नोट कर लीजिए आराम से, और जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब करेंगे, आप इंस्टा फॉलो कर सकते हैं mathguru87 पर, आप हमारा फेसबुक पेज तिवारी क्लासेस फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आइए सिक्स नंबर सब में क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप सब भी मेरे साथ रीड करेंगे। सिक्स में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, बच्चों फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों परफेक्ट स्क्वायर सबको पता है बच्चों 1000 होता है, कौन सा नंबर है वो, 1000 होता है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले लिख दूँ इसमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ऐसे लिख दिया, 4 आप लोग देख लेना, वो वाला लिखना चाहिए नंबर वाला, 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, यही तो होता सबसे स्मॉलेस्ट, कौन सा, तो 1000 ही तो होगा भाई सबसे स्मॉलेस्ट, हमको तो परफेक्ट स्क्वायर पूछा गया है ना, तो आइए मैं इसको सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर यहाँ से निकालता हूँ इसका, ये मैंने लिख दिया, पेयर कंप्लीट कीजिए, हो गया कंप्लीट, 2 2 4 हो जाएगा, 3 ले सकते हैं ना, देखिए 3 3 जा कितना आ गया, 9 आ गया, प्लस में कितना आ गया, 6 होते हैं, क्या करवाते हो बच्चों, 61 आ गया, 1 ले लीजिए हम, चले यहाँ 1 का 1 और 6 1 6 हो जाएगा, रिमाइंडर 10 में से 9 9, और यहाँ बच्चा 9 में से 3 गया 6, रिमाइंडर कितना आ गया 39, यानी हम 1000 में से अगर 39 माइनस कर दें बच्चों तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो आइए रिमाइंडर हमारा जो है वो आ गया हमारा कितना बच्चों, 39, द रिमाइंडर इज, लिख दीजिएगा सब चीज़ जो भी चीज़ आती रहे उन्हें लिखते रहिए, द रिमाइंडर RemainderIndER है ना, ये तो होती है, द रिमाइंडर इज 39 बच्चों, कितना 39। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, आप नंबर क्या ऐड करूँगा यार इसमें, यही तो बात पूछ रहा है ना, हैंस द नंबर एडिड 39 का स्क्वायर, अभी पता चल जाए कितना ऐड करना पड़ेगा हमको, 39 का स्क्वायर रूट, सॉल्व ट्रिक से जल्दी फटाफट निकालिए क्योंकि मैं रहा हूँ थक अब, 1024 बता रहे हैं बच्चों, कितना ऐड करना पड़ेगा बच्चों, 24 ऐड कर देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ही पूछा था कितना ऐड करना है, तो आइए रिक्वायर्ड परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 1000 प्लस में 24 ऐड कर दीजिए, 1024। अच्छा कोई बताएगा क्या किसका होता है ये ज़रा, अच्छा नंबर पूछा था परफेक्ट स्क्वायर, मुझे तो पता है भैया 1024 आ गया, किसका परफेक्ट स्क्वायर है कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों को बताना है, सी नंबर पूछा था परफेक्ट स्क्वायर तो 1024 हो गया, क्या ऐड करें, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देखता हूँ मैं, क्योंकि 8 और
बिल्कुल सेम है बच्चों, 8, 6, 7, 6, 7, 8 तीनों सेम से हैं, इसलिए मैं लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का। देखिए जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लेंगे, जो भी बच्चे नए हैं जल्दी से लाइक कर दीजिएगा आराम से। चलिए नोट कर लीजिए आप सब आराम से बच्चों। नोट कर लीजिएगा सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ चुके हैं, आइए जरा देखें 7 में क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। बच्चों अभी लार्जेस्ट की बात कर ली तो हम क्या डर रहे हैं, चलिए लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है, यही तो होगा ठीक है। लार्जेस्ट 6 नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, तो चलिए इसको भी हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर ही फाइंड कर लीजिए जरा से पहले तो, है ना। 6 डिजिट हो गई पूरी कंप्लीट, क्या लेंगे भाई पेयर कंप्लीट कीजिए, 99 99 या 81, 9 के ऊपर कोई नंबर ले नहीं सकते हो आप लोग, 99 या 81, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया बच्चों कितना जाएगा 1, प्लस में कितना जाएगा 9 9 और 9 कितना जाएगा 18। फिर से डबल नंबर नोट करेंगे, पेयर पूरा कंप्लीट करना है हमेशा, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। क्या नंबर लेंगे हम यहाँ पर, 9 ले लेंगे, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 और कितना भाई कितना जाएगा 1701। फिर से चलाइए, ये तो मल्टीप्लाई करके आ गया ना 1701, आइए सबट्रैक्ट कर लेंगे जरा, 9 में से 1 जाएगा 8, ये 9 का 9 रहेगा, 8 में से 7 गया 1, पूरा डबल नंबर नोट कर लेंगे। आइए जरा यहाँ तो 9 ऐड करना है ना, 9 और 9 18 का 8 कैरी 1 8 1 9 और 1 9 8 आ गया। अब आप लोग देख रहे हो लास्ट में कितना लिखा हुआ, 99 लिखा हुआ है ठीक है। एक 9 हम यहाँ पर और लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे 9 लिख देंगे और कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आप लोगों को देखना है। बताइए ना मल्टीप्लाई करके 170 कितना, 1790 1, ओके वेरी गुड 1790। तो सोल्ट्रिक्स आप सब बहुत अच्छे तरीके से बच्चों सीख गए हैं, तो इस तरीके से ही आप लोग करेंगे इनको। 9 में से 1 जाएगा बच्चों कितना आएगा 8 और 9 का 9 रहेगा, 18 में से 9 जाएगा 9 ठीक है, और 8 में से 7 जाएगा बच्चों 1 1 9 9 9 8 आया बच्चों। तो अब इसकी लैंग्वेज क्या आएगी बच्चों, 19 सेल लैंग्वेज लिख देते हैं हम लोग अब, तो देख लेंगे लैंग्वेज मैंने क्या लिखी बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग 1998 में से मैंने कितना सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, ये देखिए 199 रिमाइंडर तो मैं सब्ट्रैक्ट करते थे ना, मैंने आपको सुबह से कराता रहो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करा बच्चों कितना आ गया ये, और यही क्या होगा आपका 6 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, यही आपसे पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बच्चों, 6 7 8 बिल्कुल सेम थे, इसलिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। बाकी यहीं तक आप लोगों को आज करना था, एक्सरसाइज थी आप लोगों की 6.3 बच्चों, शायद लास्ट एक्सरसाइज होगी मुझे लग रहा है ये, नहीं इसके बाद 6.4 है, ओनली 3 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं उन्हें कंप्लीट करा देंगे 6.4 भी आप लोगों का। नेक्स्ट चैप्टर फिर आप लोगों का क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट चल जाएगा बिल्कुल भी, तो सेम हम लोग करेंगे वो चैप्टर भी आप लोगों का बिल्कुल सेम है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों बात करेंगे एक्सरसाइज 6.4 की बात करेंगे, तो अभी जो भी बच्चे नए थे उन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए कर लिया होगा आई होप, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, घर में रहिए सुरक्षित रहिए, अपनों का ध्यान रखिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।